सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान, ट्रिपल तलाक के साथ ही अब हिंदू परित्यक्ताओं के लिए भी कानून बनाने की बात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और कहा है कि इसके लिए भी कानून बनेगा, हिंदू पुरुषों को दंडित करने का भी कानून यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रिपल तलाक से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए भी कई योजनाएं यहां पर चलाई जाएगी, उनको भत्ता दिया जाएगा, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनको योजना चलाई जाएंगी और ये कोशिश योगी सरकार की लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर ये है कि जहां ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, तो वहीं हिंदू महिलाएं जो पीड़ित हैं, परित्यक्ताएं हैं, उनको लेकर एक कानून बनाने की बात की है। क्योंकि एक महिला से शादी करने के बाद जब दूसरी महिला से शादी कर ली जाती है हिंदू पुरुषों के जरिए, तो उनको लेकर भी एक कानून यहां पर बनाया जा रहा है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को ना करके पहली पत्नी को प्रताड़ित करके उसे त्यागता है, तलाक देता है, तो उन सब के खिलाफ कानून कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कोई रह किसी भी प्रकार से उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए।